हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की। किसके लिए? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, किस तरीके से आप इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को चेक कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट अ बी ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की एग्जिस्ट करती है, राइट, ऑफ ए, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हम इस ए को क्या कहेंगे कि जो ए है हमारे पास वो क्या है? इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन। अगर मैं लिख रही हूँ ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि इसके कुछ रिजल्ट के बारे में, राइट? सबसे पहले क्वेश्चंस निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनमें हम कुछ रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सबसे पहले एवरी नॉन सिंगुलर, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, उसका हमारे पास क्या होगा? एक यूनिक, ये जो इनवर्स होगा हमारे पास ये क्या होगा? यूनिक होगा, राइट। सेकंड, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज व्हाट? कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो है, राइट? थर्ड नंबर पे आता है प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज अगेन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज सिंगुलर, मैट्रिक्स, देन वन ऑफ देम इज सिंगुलर। क्योंकि अगर वो सिंगुलर नहीं हुई तो नॉन सिंगुलर हो जाएगी, और अगर नॉन सिंगुलर हो जाएगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज अगेन इन्वर्टिबल, राइट? मान लीजिए ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और के कोई नॉन जीरो नंबर है हमारे पास। ए क्या है? इन्वर्टिबल, राइट, और के हमारे पास क्या है? इज एनी नॉन जीरो, इट शुड बी नॉन जीरो, नॉन जीरो नंबर। तो हम कहेंगे देन के ए
इनवर्स इज इक्वल टू 1/k ए इनवर्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, के ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/k ए इनवर्स. ठीक है, एंड अगर ए इन्वर्टिबल है तो हमारे पास जो सेकेंड रिजल्ट है इसी का वो क्या है, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज. राइट, उसके बाद आता है हमारे पास एक और रिजल्ट, अगर ए इन्वर्टिबल है देन ए कॉन्जुगेट इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का कॉन्जुगेट. एंड फोर्थ है ए थीटा इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स थीटा. उसके बाद हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की, कि अगर ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, अगर ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, देन ए प्लस बी में और में नॉट इन्वर्टिबल, वो हो भी सकता है और नहीं. ठीक है, इसके लिए आइए हम एक छोटा सा प्रूफ या एग्जांपल, वी कैन से एग्जांपल देख सकते हैं. एग्जांपल पहले मैंने ए को क्या लिया, आई, और बी को क्या लिया, इट इज़ टू आई. देन आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी और बी इनवर्स हमने पीछे के रिजल्ट किया है, अगर यहाँ के है तो हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू होगी 1/2 i. ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i. इट विल बी 3i. तो हमारे पास ए प्लस बी इनवर्स, एक तरीके से इसको पूरी मैट्रिक्स हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 i. तो इसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. राइट, अब एक मैंने ए ले दिया i, दिस इज सेकेंड वन फर्स्ट, और बी को मैंने ले दिया -i. ठीक है, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, एंड बी इनवर्स इज 1/-1, आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट इन्वर्टिबल. हमारे पास ये क्या आ गई, नॉट इन्वर्टिबल. इसका मतलब इसका एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं. ठीक है, तो इन सारे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी हमारे पास इन्वर्टिबल है तो प्रोडक्ट इन्वर्टिबल होगा और सम इन्वर्टिबल नहीं होगा. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर यूजफुल वीडियोज, एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़.